ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी का विधानसभा चुनाव अब खत्म हो गया है, सभी सियासी बयानबाजी अब थम गए हैं। योगी आदित्यनाथ दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सारी तैयारी शुरू हो गई है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर सूबे की कमान संभालेंगे। चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन इसका असर अब परिवारों में देखने को मिल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये खबर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। आपने अभी तक तलाक की वजह परिवार में अनबन, पति पत्नी का आपसी रिश्तों में मतभेद या फिर कोई और घरेलू वजह सुनी होगी, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि महज चुनावी वोट देने को लेकर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया तो आपको सुनकर कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है, आप ये सोचते होंगे कि ऐसा भी होता है क्या। दरअसल ऐसा ही हुआ है। बरेली की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर बीजेपी को वोट देने के कारण तलाक देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आराम से रहते, मेरे सास ससुर से मुझे मतलब नहीं है, हम अलग रहते हैं उनसे। मेरे सास ससुर को मुझसे मतलब नहीं है, शौहर भी मेरे मामू की तरफ बोल रहे हैं, वो भी अब मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे शौहर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे शौहर ने निकाला है मुझे, ये कहा अपनी 3 तलाक बचा ले अब जा। जी हाँ, फिलहाल मुझे तलाक दी नहीं है, फिलहाल ये कहा है अब अपनी 3 तलाक बचा ले जा, कह दे। जब मैंने कहा ये मसला मैं कहूंगी तो मुझे धमकी भी दी है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं उन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग। वहीं इस धमकी के बाद महिला ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी से शिकायत की है। बरेली की रहने वाली नजमा उलमा ने आरोप लगाया है कि उसने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया तो उसके पति ने अपनी बेगम को तलाक देने की धमकी दे डाली और उससे मारपीट कर घर से निकाल दिया। नजमा का कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कई मुस्लिम महिलाओं ने खामोशी से बीजेपी को वोट किया है। आपको बता दें कि नजमा उलमा अंसारी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। उनका निकाह जनवरी 2021 में हुआ था। ताहिर और उलमा ने घर वालों के खिलाफ जाकर आपस में शादी की। पीड़िता का कहना है कि उसका पति और उसके पति का मामा सपा के कार्यकर्ता हैं। नजमा उलमा ने अपने पति और उसके मामा से कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं के पक्ष में काफी काम किया है। इस बात से गुस्साए पति ने अपने पत्नी को तलाक देने की धमकी दे डाली और मारपीट कर घर से निकाल दिया और यह कहा कि मैं देखता हूं कि बीजेपी सरकार मुझे तलाक देने से कैसे रोकती है। वहीं पीड़ित महिला ने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली फरहत नकवी से मदद के लिए संपर्क किया। वहीं फरहत नकवी का कहना है कि दोनों के परिजनों को बुलाकर पहले आपस में बातचीत करने की कोशिश की है, जैसा भी होगा उस हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी मामला पुलिस के सामने नहीं पहुंचा है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।